Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on successive differentiation. In this topic we have already discussed some problem, and in the previous question technical issue ki wajah se ye question hamara adhura rah gaya tha, isko hum dobara dekh lete hain, iske baad fir hum aage kuch question karenge. To chaliye start karte hain. क्वेश्चन था हमारा x इक्वल टू ए ब्रैकेट में t माइनस साइन t एंड y इक्वल टू ए वन प्लस कॉस t. देन प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल वन अपॉन फोर ए कॉसेक फोर टी बाई टू. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे x का टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि हमें पता है जो फंक्शन है वो जो x है वो फंक्शन ऑफ t है. x is a function of t and also y is a function of t. इसका मतलब ये है कि हम पहले x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, y को भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a आएगा t का 1 sin t cos t, y का हो जाएगा dy by dt a और ये हो जाएगा माइनस sin t. तो अब हम dy by dx निकालेंगे, तो dy by dx को हम इससे इसके साथ रेशियो करके निकाल सकते हैं. तो dy by dt upon dx by dt आएगा दिस माइनस ए साइन टी अपॉन ए वन माइनस कॉस टी. ये हो जाएगा माइनस साइन टी अपॉन वन माइनस कॉस टी. ए हमारा कैंसिल हो गया. साइन टी को लिख सकते हैं इतना टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, और वन माइनस कॉस टी हो जाएगा वन माइनस वन प्लस. हम जानते हैं फॉर्मूला कॉस टी इक्वल हाफ एंगल वाला वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी बाई टू. यहाँ से हमें एक साइन यहाँ पे कैंसिल होगा और टू भी कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या, कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू. ये हो गया माइनस कॉस कॉट कॉट टी बाई टू. तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, एक बार और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे. ये हमारी वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स. इसका सेकेंड बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा कॉट टी बाई टू का माइनस कोसेक स्क्वायर टी बाई टू. सो दिस इज माइनस कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, और फिर से टी बाई टू का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हाफ डी टी बाई डी एक्स. फिर ये वैल्यू प्लस हो गई, फिर यहाँ से हाफ डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी वन अपॉन. ये वैल्यू थोड़ी सी जल्दबाजी में हो गया है, तो हम इसको पहले लिख सकते हैं ए होगा डी टी बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टी, और वन माइनस कॉस टी को सॉल्व करेंगे इसी हाफ वाला एंगल को यूज करके. तो यहीं पे वैल्यू आ जाएगी वन माइनस कॉस टी की जगह पे लिख सकते हैं क्या, एक लाइन हम इसको और बढ़ा लेते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, हाफ बाहर ले लेते हैं वन अपॉइंट टू ए, और ये चला जाएगा वन अपॉन वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर टी बाई टू. ये वन कैंसिल, टू टू फोर हो जाएगा वन अपॉन फोर ए. ये है कोसेक स्क्वायर टी बाई टू और यहाँ है साइन स्क्वायर टी बाई टू. ये जब ऊपर आएगा तो कोसेक फोर टी बाई टू, यही लाना था डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू दिस. ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था. तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसी में हमने ये क्वेश्चन किया था और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो क्वेश्चन अधूरा रह गया था, तो हमने पहले इसको पूरा कराया. आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी के ऊपर. If x equal a cos theta plus theta sin theta and y equal है a sin theta minus theta cos theta,
थीटा कॉस थीटा, तो हमें फाइंड करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, देन फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो क्वेश्चन है इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देन प्रूफ या देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो देखिए ये भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इसके पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ जो गिवन है गिवन एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी जो एक्स है वो किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, एक्स हमारा थीटा का फंक्शन है। तो डायरेक्ट हम डी वाई बाई डी एक्स वगैरह नहीं निकाल सकते, पहले क्या करेंगे एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ये हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पे दो टर्म है तो दो टर्म के हिसाब से इसको हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक इसी तरह से अगर हम वाई वाले एक्सप्रेशन को करें y इक्वल ए साइन, ऑल्सो वी हैव y इक्वल ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल ए को साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये कट जाएगा, मिलेगा ए थीटा साइन थीटा। ठीक है तो ए थीटा साइन थीटा, और यहाँ हमें मिल रहा है ये। अब अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो फिर से इसका रेशियो कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये वैल्यू है हमारी ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए यहाँ से भी ये टर्म कट रहा है साइन थीटा और साइन थीटा, तो सिंपली बचेगा ए थीटा और कॉस थीटा। सो ए थीटा कॉस थीटा, इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं ए थीटा कॉस थीटा, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा फाइनली टेन थीटा। क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी टेन थीटा। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव बताना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम क्या करेंगे इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, तो मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर से थीटा करेंगे तो आएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, इसका रिवर्स कर देंगे यानी वन अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा वन अपॉन ए थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा यानी सेक क्यू थीटा अपॉन ए थीटा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सेक क्यू थीटा अपॉन ए थीटा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे एक्स किसी और टी या थीटा का फंक्शन हो, जैसे एक्स थीटा का फंक्शन हो चाहे एक्स टी का फंक्शन हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्स को टी का डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, उसी तरह वाई को भी टी या थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों का रेशियो कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, फिर से थीटा का होगा क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है,
तो डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा वन अपॉन दिस, ठीक है, यहीं से हमें मिल जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स वन अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, क्लियर। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन प्रूव दैट पी प्लस डी टू पी अपॉन डी थीटा टू इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो ये हमें लाना है, क्वेश्चन में गिवन है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन प्रूव दैट पी, ये पी है, पी प्लस डी टू पी अपॉन डी थीटा टू इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो स्टार्ट करते हैं गिवन कंडीशन को लेके। तो गिवन है पी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें थीटा का डबल डेरिवेटिव चाहिए, डी टू पी अपॉन डी थीटा टू है, यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि इसका दो बार डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर कुछ अरेंज करेंगे इधर उधर तो हमें ये कंडीशन मिलेगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट ये हो जाएगा टू पी डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को करेंगे तो होगा टू कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस थीटा का माइनस प्लस बी स्क्वायर टू साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ भी टू साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ भी टू साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा टू पी डी पी अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टू पी डी पी डी थीटा। अब यहाँ से टू टू दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी टू था यहाँ भी और यहाँ भी, दो कैंसिल है यहाँ पे। तो अभी हमें सिंगल डेरिवेटिव मिला है, हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। तो यहाँ दो फंक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस डी पी बाई डी थीटा, और इसको भी करेंगे तो डी पी बाई डी थीटा होगा, सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव डी पी बाई डी थीटा इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ फर्स्ट सेकेंड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा का होगा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस थीटा। तो फर्स्ट सेकेंड लगा रहे हैं, ये आसान है इसलिए हम डायरेक्ट जल्दी से लिख रहे हैं। अब इसको लिख सकते हैं पी डी टू पी अपॉन डी थीटा टू प्लस ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर
और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका ब्रैकेट हम ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल ब्रैकेट को हमने ओपन किया है। अब क्वेश्चन में कुछ दिया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, पी स्क्वायर, यानी दिस टर्म नहीं, यहाँ से माइनस अगर हम दोनों में कॉमन ले लें तो क्या करते हैं, पहले इसको और इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ से पी स्क्वायर लिख सकते हैं गिवन कंडीशन, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर, और इधर हमारा एज इट इज़ है सेम चीज़, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं पी स्क्वायर को फिर हम इस साइड लाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें कुछ ऐसा दिख रहा है पी स्क्वायर लेफ्ट में चाहिए, और इस वाला टर्म को ये एक्स्ट्रा टर्म इधर लेफ्ट में दिख रहा है, इसको हम उस साइड ले जाएंगे। आसान है, बस थोड़ा डेरिवेटिव में ध्यान देते जाना है। ये हो जाएगा पी डी टू पी अपॉन डी थीटा टू, और इस पी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर, और इक्वल में ये टर्म है पूरा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और उस टर्म को उधर से लाते हैं इस वाले को माइनस में डी पी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं डी पी बाई डी थीटा यहाँ से, तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से चाहो तो पी कॉमन कर लें, ये हो जाएगा डी टू पी अपॉन डी थीटा टू प्लस पी, इधर हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस डी पी बाई डी थीटा की वैल्यू हम लोग निकाले थे पहले, उसी को रख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। तो हम देख लेते हैं डी पी बाई डी थीटा क्या था, डी पी बाई डी थीटा की वैल्यू हम लोग निकाले हैं ये था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी, और यहाँ पे था साइन थीटा और कॉस थीटा, चेक कर लीजिए डी पी बाई डी थीटा यही था जो हम लोग अभी जस्ट निकाले थे फर्स्ट डेरिवेटिव, यही वैल्यू थी। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, लेफ्ट साइड हमारा लगभग आ चुका है, हमें ये प्रूफ करना था और लगभग ये टर्म आ गया है, पी को हम इधर लाके डिवाइड कर लेंगे, और इसका स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, मिस्टेक ना हो, डी पी बाई डी थीटा की वैल्यू थी ये, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर, या इंटू कर देते हैं, प्लस पी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी पावर फोर हो जाएगा, और प्लस ए पावर फोर माइनस माइनस टू ए बी, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे के अपॉन में होगा पी स्क्वायर। तो यहाँ चेक कर लेंगे माइनस प्लस को, तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस टू ए बी, यहाँ हो जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन ये टर्म तो सबके साथ होगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस और यहाँ पे प्लस, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर, और एक वैल्यू और हमें यहाँ से मिल सकती है, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, उसकी वैल्यू भी रखी लेते हैं यहाँ पे, पी स्क्वायर जो था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉमन कर लेते हैं, इसको पहले कॉमन ही रहने देते हैं इस तरह से, इंटू में हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में ये सारे वैल्यू हो जाएगा बी फोर, और ये दोनों का स्क्वायर था ही, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए पावर फोर, बल्कि ये माइनस होगा, माइनस ए पावर फोर, इसकी वजह से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाला प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हो सकता है ये अपॉन में पी स्क्वायर। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस फोर थीटा प्लस ए फोर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर बी से इंटू करो, बी से इंटू करेंगे तो मिलेगा बी टू द पावर फोर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो लास्ट टर्म आएगा बी और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन साइन फोर थीटा, ठीक है। माइनस करके ये पूरा टर्म आएगा माइनस बी फोर, बी फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैलकुलेशन अपने से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। पी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे कट रहा है कुछ टर्म, ए फोर, एक तो ये टर्म कट रहा है, दूसरा बी फोर वाला एक ये टर्म भी कट रहा है। जो बच रहा है उसको ज़रा ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस फोर थीटा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन फोर थीटा, और यहाँ पे कुछ टर्म दिख रहा है टू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा तो लेफ्ट में था हमारे यहाँ पे p था और डी टू पी अपॉन डी थीटा टू प्लस पी इक्वल में क्या क्या बच रहा है अगर हम इसमें से कॉमन कर लें ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर टोटल टर्म से कॉमन करो तो क्या बचेगा यहाँ से कॉस फोर थीटा प्लस साइन फोर साइन पावर फोर थीटा ये वाला टर्म और एक लास्ट ये वाला तो टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये बचेगा अपॉन में पी स्क्वायर। क्लियर। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और ये क्या है ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सिंपली वन यानी हमें मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। क्लियर। इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था लेकिन कुछ फैक्टर ही सिर्फ ब्रेक करना था और कुछ नहीं था। तो यहाँ लेफ्ट में था पी डी टू पी अपॉन डी थीटा टू प्लस पी तो फाइनली हमें मिल गया डी टू पी अपॉन डी थीटा टू प्लस पी ये आ जाएगा इधर तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ठीक है यही हमें प्रूफ करना था। सो प्रूव्ड। ठीक है यही तो लाना था। तो थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी कभी इंट्रेंस में डायरेक्ट पूछ देता है ये कंडीशन गिवन होगा गिवन है प्रूफ ये करना है तो ये रिज़ल्ट को भी याद रखिए इंट्रेंस के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिज़ल्ट ही बहुत कठिन नहीं है। पी है यहाँ पी का डबल डेरिवेटिव है थीटा के रिस्पेक्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। क्योंकि इंट्रेंस में तो इतना समय नहीं होगा कि इसको हम पूरा सॉल्व करें। हम बीएससी लेवल पर हम पूरा सॉल्व करेंगे वहाँ पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है लेकिन इंट्रेंस में हमें ये कंडीशन भी याद होनी चाहिए और डायरेक्ट इसका रिज़ल्ट क्या आता है तो डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। ये वीडियो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंट्रेंस में पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनके लिए भी और जो एकेडमी में हैं उनके लिए भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच।